गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस कंडक्टेड बाय सेंट जेम्स स्कूल एंड कॉलेज। ये वीडियो कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है और हिंदी व्याकरण का ये वीडियो है जिसमें आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 शब्द उच्चार। बच्चों, हमने पहले व्याकरण के बारे में पढ़ा है और उसमें व्याकरण के 3 विभाग बताए गए थे। पहला विभाग हम लोग जो वर्ण विचार था वो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग उसके दूसरे विभाग के बारे में जानेंगे। दूसरा विभाग है शब्द विचार। तो शब्द शब्द क्या है? हम लोग दैनिक भाषा में जो भी भाषा का प्रयोग करते हैं उसमें हम लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो शब्द कई वर्णों से, वर्ण आपने पढ़ा, वर्ण शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों से। तो कई वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं। जैसे अगर मैं एक शब्द लिखूं, मैंने लिखा तो ये कोई सार्थक शब्द नहीं है। अगर हम इसको बनाना चाहें तो तितली, अगर हम बोल रहे हैं तितली शब्द, तो ये सार्थक शब्द है। तो शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। तो शब्द क्या है? वर्णों का जो सार्थक, जब हम सार्थक वर्णों को जोड़ते हैं तब शब्द का निर्माण होता है। तो अब हम देखते हैं कि वर्ण को कितने आधारों पर बांटा गया है। तो शब्द को 4 आधारों पर बांटा गया है। पहला जिसमें है शक्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। इसमें सबसे पहले आता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। इसके आधार पर भी शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। पहला तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। इसमें पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। इसका अर्थ होता है संस्कृत तत् के समान। तो तत्सम शब्द वो है जो संस्कृत के शब्द हैं और बिना परिवर्तन के ही वो हिंदी में सीधे आ गए हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और उसे हम लोगों ने हिंदी में जो तक ही स्वीकार कर लिया है, तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। उसमें जैसे अग्नि, अग्नि शब्द है, सूर्य शब्द है, ये सब तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगला है तद्भव शब्द। तद्भव क्या है? जो शब्द संस्कृत के हैं लेकिन हमने उन्हें परिवर्तन करके हिंदी में स्वीकार किया है, तो वो तद्भव के अंतर्गत आते हैं। जैसे अभी मैंने तत्सम शब्द का उदाहरण दिया, अग्नि को जो हम हिंदी बोलेंगे तो वो आग, अग्नि का मतलब क्या होता है? आग। और मैंने कहा सूर्य, सूर्य का क्या मतलब होता है? सूरज। तो जब मैंने उसको परिवर्तन किया तब वो तद्भव शब्द बन गया। अब हम आते हैं देशज। अगला है देशज। देशज शब्द क्या है? जो क्षेत्रीय भाषा के शब्द है या आम बोलचाल की भाषा के शब्द है और धीरे धीरे प्रचलन के कारण वो हिंदी में आ गए हैं, तो उसे हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि पगड़ी शब्द है, लोटा है, चारपाई शब्द है, ये शब्द देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगला है विदेशी शब्द, जिसे हम आगत शब्द भी कहते हैं। विदेशियों के संपर्क के कारण जो शब्द हमारे हिंदी में प्रचलन में आ गए हैं उसे हम विदेशी शब्द कहते हैं। यानी कि विदेशियों के संपर्क में आने से जो शब्द हमने हिंदी में स्वीकार किया है वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे कमीज है, स्कूल, कॉलेज, टेलीविजन, ये सब विदेशी शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो हो गया उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। अगला हम देखते हैं रचना के आधार पर शब्द के कौन कौन से भेद हैं। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, पहला गुण शब्द, यौगिक शब्द और तीसरा योग। इसमें पहला है गुण शब्द। गुण शब्द क्या है? जिन शब्दों के कोई सार्थक खंड हम नहीं कर सकते, या अगर हम उनके खंड करते हैं तो उनका कोई भी मतलब या कोई भी अर्थ नहीं। जैसे कमल है, कमल के अगर हम और टुकड़े करें तो उसका कोई भी अर्थ नहीं रह जाएगा, या पुस्तक शब्द के अगर हम और खंड करें तो उसका कोई भी अर्थ नहीं रहेगा। तो ऐसे शब्द को गुण शब्द कहलाते हैं, यानी कि जिनका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता। अगला है यौगिक। यौगिक का नाम लेने से पता चल रहा है योग, यानी कि योग से मिला हुआ। जब दो शब्दों या एक से अधिक शब्दों के योग से दो शब्द यौगिक शब्द। जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय कैसे बना है? पुस्तक प्लस आलय, यानी दो शब्दों से पुस्तक और आलय
ब्राह्मण यानी एक विशेषण। तो योग रूप में अधिकतर बहुव्रीहि समास के सारे उदाहरण इसमें योग रूप शब्द में आ जाते हैं। अगला है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द। वैसे तो आप पढ़ चुके हैं कि पर्यायवाची शब्द क्या है, पर्यायवाची शब्द क्या है, जब समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य का सूरज, दिनकर, घर है, ग्रह का घर का ग्रह, आलय, सदन, तो ये सब समान अर्थ वाले शब्द हो गए यानी पर्यायवाची शब्द। विलोम शब्द क्या है, उल्टे अर्थ वाले शब्द जिनको हम विलोम शब्द कहते हैं, उल्टे अर्थ से दिन का रात, आकाश का पाताल, तो ये सब विलोम शब्द हो गए। अनेकार्थी शब्द क्या है, जब जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वो अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे हार, हार का मतलब पराजय और हार का मतलब गले में पहनने वाली माला, वो ये अनेकार्थी शब्द हो गए यानी कि उसके एक से अधिक अर्थ थे। इसी तरह काल, काल का मतलब समय भी होता है, काल का मतलब मृत्यु, तो वो सब अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा शब्द प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, पहला विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी शब्द क्या है, जिन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, कारक और काल के कारण परिवर्तन हो जाता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम मुर्गा शब्द कहते हैं, तो अगर मुर्गे को हम वचन में परिवर्तन करें तो वो मुर्गे हो जाएगा। मुर्गा संज्ञा शब्द है, अगर हम उसे वचन परिवर्तित करते हैं तो मुर्गे हो जाएगा, अगर हम उसको लिंग में परिवर्तन करते हैं तो मुर्गी हो जाएगा। और तो इसी तरह जब हम शब्दों का लिंग, वचन और काल परिवर्तन करते हैं जिनका, तो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, संज्ञा शब्द, क्रिया शब्द, सर्वनाम और विशेषण शब्द आते हैं, जिनके बारे में हम लोग आगे आगे के पाठों में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अविकारी शब्द क्या है, जिन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करने पर लिंग, वचन और कारक या काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं क्रिया विशेषण,